इन दिस सेशन वी विल डिस्कस ज्योमेट्री पीवीएसएल क्वेश्चन फ्रॉम 251 टू 278। ओके, अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, फॉर अ ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर टू पॉइंट, आसान नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो यार, ए बी पर ए सी पर पॉइंट है, दिस इज डी ई, ओके, एंड सच दैट रेशियो ऑफ ए डी इज 1/4 एंड ए 1/4, तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है। नाउ ये 1 है तो ये 4 है, ये तो बोला हुआ है, ओके। नाउ बी सी इज 12, वी हैव टू कैलकुलेट डी, तो डी अपॉन 12 इज इक्वल 1/4, तो डी कितना हो गया 3। भाई एक लेवल आने के बाद अब डायरेक्ट क्या करना, देखो इफ आई बी द इनसेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वही कॉन्सेप्ट है, एंगल बी आपको दे रखा है 70, आपको एंगल सी दिया हुआ है 50, द मैग्नीट्यूड ऑफ बी आई सी, 70 50 कितना हो गया 120, ये 60 हो गया, तो दिस इज 90 प्लस हाफ ए मतलब 30, 120, ठीक है। देखो ये कॉन्सेप्ट कितनी बार यूज हो रहा है, इन सेंटर वाला ना, फॉर अ ट्राइंगल एबीसी डी एफ फॉर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, ओके। एक रूल होता है, अगर हम मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो ऑल फोर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो जो एरिया पूरे का होगा उसका 1/4 होगा बीच वाले का, तो 1/4 इंटू 24 6, ठीक है। द एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, बहुत बोरिंग भी आ जाता है, क्योंकि एंगल बिटवीन द इंटरनल बैच ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी इज 120, तो 120 का एंगल है उसके बीच में, तो 90 माइनस हाफ ए, याद है रूल, इज इक्वल 120, है ना, सॉरी प्लस होता है, एंगल ए इज इक्वल 60, क्योंकि इंटरनल बाइसेक्ट बोला है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी एंड सी एफ आर टू मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड जी इज द सेंट्रोइड, ई एफ कट, हाँ ये बहुत क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बड़ा डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है यार ये चीजें, ऐसा है, ठीक है। अच्छा अब आप एक बात तो जानते हो कि यार ये रेशियो 2:1 होता है, इसे वो बताया ना, अच्छा क्योंकि ये मीडियन है तो ये हाफ होगा, तो ये रेशियो कितना हो गया 1:2, बस मेरा ये काम की चीज है, तो मान लेता पूरी लेंथ 6 मान ली मैंने, जनरल करने के लिए 6 से मानी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर ये 6 है तो ये हिस्सा कितना होगा 6 के हिसाब से, तो ये कितना हो गया 4, ये हो गया बिकॉज ऑफ 2:1, और इसी हिसाब से ये हो गया 3 यहां से यहां तक, तो ये कितना हो जाएगा इतना हिस्सा 1, क्योंकि ये 4 है ना पूरा यहां से तक, अब ये 1:3, इन दोनों में रेशियो 1:3 होता है, इनमें 2, और उस हिसाब से ये 3 और ये कितना बचेगा 2, तो 1:3:2 का रेशियो हो गया, 6 हो गया पूरा टोटल, तो ये रूल ध्यान रखना ना, तो यहां पर 1:3, और यही एरिया में भी रेशियो हो जाएगा, ध्यान रखना एरिया में भी यही रेशियो होता है। एक क्वेश्चन अगर ऐसा आता और ये आया हुआ एसएससी में, व्हाट इज द एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस इज टू टोटल, तो हाँ एरिया डबल हो जाएगा, हाफ हाफ करते ना वहां पर, क्योंकि एरिया में बेस भी आएगा ना, ये बेस भी आएगा, बेस डबल है ना, और अगर बोलता सुनो आप सुनो एक सेकंड, हाँ बता रहा हूं, एक्चुअली होगा अगर आपसे पूछता व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस टू दिस, बताओ क्या होगा ना 1:4 होगा, क्यों होगा, देखो यहां पर ये 2x है साइड, तो ये x होगी मिड पॉइंट है ना, अब एरिया ऑफ दिस पार्ट ये था मेरे पास पी क्यू और ये मैंने मान लिया जी और ये ओ, अच्छा ये तो मैं बता रहा 1:3:2 समझाया सबको, अब देखो एरिया ऑफ पूछेगा पी क्यू जी अपॉन एरिया ऑफ ए जी बी, सुनो एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट होती है ना, हाफ बेस, बेस हो गया पी क्यू और हाइट होगी इसकी 1 वाली पार्ट, भाई एच मान लो ये 2h हो जाएगी, तो एच अपॉन नीचे हाफ ए बी अपॉन इंटू 2h, हाफ कट गया, अच्छा ए बी कितना है 2x और ये x है, तो ये x और 2x हो जाएगा, पर x x कट गया तो 1/4 बेस भी आएगा ना वहां पर, अच्छा क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता, अच्छा व्हाट इज द रेशियो, देखते कितने लोग इसका रेशियो और इसका रेशियो, ना 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 ना, ना।
1:3 होगा क्योंकि दोनों में बेस समान है इस बार, नहीं समझे बात? अब बेस तो इक्वल है ना, अब तो बस हाइट का रेशियो आ जाएगा 3:1 या 1:2 जो पूछा गया, समझे? अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं कौन उठा पाता है इसका आंसर। हार्ड नहीं है, बहुत आसान सी बात। व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल? सेम होगा, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन और बेस सेम है, तो एरिया के रेशियो क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। चलो आगे बढ़े। द एंगल ऑफ ट्रायंगल इन द रेशियो, द एंगल ऑफ ट्रायंगल इन द रेशियो 2:3:7, द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट 2x + 3x + 7x 180, तो x वुड बी 15, तो 30। ओके, साइड ए बी इज इक्वल बी सी, ए बी इज इक्वल बी सी, दिस साइड इक्वल दिस साइड, एंगल बी इज x, एंगल ए इज 2x - 20। अब देखो ये भी 2x - 20 हो जाएगा, इन सबको सम, x + 2x - 20 + 2x - 20 इज इक्वल 180 डिग्री, तो 5x इज इक्वल 220, x वुड बी 44, पूछा गया b, यस 44। इफ ए डी इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड जी बी द सेंट्रोइड, देखो आगे वही चीज है ना, नो देखो ए बी, ये तो आसान था, कर ए डी इज ए मीडियन, जी इज सेंट्रोइड, देन ए जी इज टू ए डी, देखो ये 2:1 होता है तो 2:3, टोटल पार्ट पूछा हुआ है, ए डी पूछा हुआ है, तो टोटल सम कर लेंगे, पता बच्चे इसमें 2:1 लगा के भाग लेंगे आगे, पूरा पढ़ना, ए जी ए डी पूछा है ना कि ए जी जी डी नहीं पूछा हुआ है, 2:1 लगाइए, बहुत आसान पेपर आया था। नंबर नहीं आ रहे मेरे, क्या बात है। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, देखो यार 2:3 का रेशियो है, सप्लीमेंट्री मतलब सम कितना होना चाहिए 180, इनका 180 नहीं हो रहा है, ये 180 हो रहा है, ये 180 नहीं हो रहा, दो इनका रेशियो देखो किसका 2:3, ये 2:3 आ रहा है, 36:2 - 36:3 जा, ठीक है, आंसर इज सी ऑप्शन, ऑप्शन कर लो इसको, तो ठीक है भाई आगे बढ़े। क्या हो रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी मीडियन इज एज सेंट्रोइड इज ओ, एओ 10, ओके एबीसी मीडियन एडी सेंट्रोइड इज ओ, एओ 10, द लेंथ ऑफ ओडी 5, आगे बढ़े। ओके, इन ट्राइंगल एबीसी एंड द रेशियो 2:3:1 द एंगल, अच्छा 2:3:1 आंसर, अरे रेशो आ गया, कोई पीएचडी थोड़ी करते क्वेश्चन पे, ऑप्शन दिए बस सीधे से सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी एज ड्रॉन इन द फिगर ए बी इज इक्वल ए सी, ए बी इज इक्वल ए सी, तो ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, 120 पूछा गया। चलो अगला क्वेश्चन, ओके ए बी, ये क्वेश्चन एक बार कर चुके हैं ना लोग, ए प्लस बी 118, तो ये कितना हो गया 62, एंगल ए एंड सी 96, तो 62 माइनस करो कितना हो जाएगा 24, एंगल ए बस हो तो क्या 34 सॉरी हाँ 34 डी ऑप्शन, अरे समझे, ओके ए डी परपेंडिकुलर, ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन दिस, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, नहीं नहीं एक्चुअली समस्या बताया क्या, ए बी के बारे में बोला सी डी के बारे में बोला हुआ है, मान लेते हैं ये एक्स है सुनो, और ये और आंसर में बी, अच्छा सबकी फॉर्म में बी डी भी दिया हुआ है, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, ठीक है कुछ करते हैं, देखो हाँ हाँ कुछ करते हैं, देखो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये अच्छा नहीं हो जाएगा, तो यार पाइथन लगा देते ना, ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सी डी हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी डी स्क्वायर हो गया बी ऑप्शन, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी एंगल ए हाफ बी एंगल सी 140, इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल बी कितना होगा 40, इसमें बात भाई एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस बी होता है 180, और ये हाफ दिया हुआ है, मतलब 40 कम है, तो एंगल बी कितना हो गया,
इन ट्राइंगल एबीसी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी. एबीसी लाइन पैरेलल बीसी को इंटरसेक्ट करती है किस पर? ए बी को करती है डी पर और ये ई पर. और गिवन है ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए डी, मतलब ये 1:1 का रेशियो है. तो डी और बीसी का रेशियो 1:2, ठीक है, 1:1 है ना, इसका मतलब मिडिल पॉइंट है, तो 1:2 का रेशियो हो जाएगा. ओके, वैल्यू वाला क्वेश्चन. इन ट्राइंगल एबीसी, ओके, इक्वल एरिया पार्ट आ गया ना, मैंने कौन सा बताया था, इक्वल एरिया पार्ट में क्या करते हैं, अगर ये ए तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा टोटल रूट 2. पूछा क्या है, ए बी सी, देखते हैं किसका पूछे बारे में पूछा है, डी और ये ई. डी बी और ए बी मतलब रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ये देने वाला क्या पूछा गया है ना, उसके ऊपर वैल्यू डिपेंड करेगी. ऑप्शन हो गया सी. घटिया क्वेश्चन. एंगल ए बी 70, तो सी कितना हो गया 110, और इधर बी और सी 130, तो सी एंगल बी कितना हो गया 20, तो 50 है ना. ओके, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल सिक्स ऑफ एंगल सी. देखो यार, ए बी सी का रेशियो पता कितना हो जाएगा, 1/2, 1/3, 1/6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3:2, 2:1, ठीक है ना, 3x + 2x + x. पूछा क्या है, बी पूछा ना, 180, x वुड बी 30, 60, 2x पूछा ना, बी वाला वैल्यू. इफ इन ए ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर ऑन द साइड ए बी एंड ए सी सच दैट, देखो यार एक्चुअली काले से काला सब मिल जाता ना. ओके, डी ई, ठीक है, ए डी और बी डी का रेशियो दिया 3:5. ओके, ग्रीन देखो, ग्रीन कैसा लगे, अच्छा ए सी इज, सुनो ए सी इज 4 देन ए ई, तो 3/8 इज इक्वल ए ई बाई 4, अरे समझे 2, हाँ सॉरी 1.5 आएगा, सॉरी ये 2 1.5 आएगा, सॉरी इसका आंसर होगा 1.5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एडी इज मीडियम ट्राइंगल एबीसी एंड ओ इज द सेंट्रोइड सच दैट एओ 10, ओडी कितना होगा 5, 5 बार हो चुका है इससे क्वेश्चन, हाँ इससे मुझे तीसरी बार आया था, मतलब अगर आ जाए तो रट के लिख के आ रहा है उसमें. ओके, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल ऑफ एन एंगल, देखो 90 होता है, देखो यार अगर कोई कोण है इसका ये हो गया इंटरनल, माना ये एक्स, इनके मिड पॉइंट, तो ये एक्स एक्स, ये वाई वाई, एक्स प्लस वाई पूछा है, 2x + 2y 180, तो x + y 90, डी ऑप्शन. इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी मीट एट आई इफ बी आई सी एंगल ए प्लस 90, ये फॉर्मूला होता है ना. ओके, इन ट्राइंगल एबीसी द मीडियन ए डी बी सी इफ मीट एट जी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अच्छा 3/4 साइड की तरफ मीडियन 4 होता है, ये ऑप्शन होगा डी ऑप्शन. द साइड ऑफ ट्राइंग बी सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी एक्सटेंडेड टू डी, ओके, देखो ए बी सी, दिस साइड बी सी इज एक्सटेंडेड टू डी इफ एंगल ए सी डी इज 120 एंड एंगल ए बी सी, ए बी सी इज डबल ऑफ सी ए बी, तो अगर ये हाफ ऑफ, अगर ये एक्स है ए बी सी देन इट इज 2x, तो 3x बराबर 120, ठीक है 40, x बराबर 40, पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ ए बी सी 40, ठीक है ना. इन ट्राइंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ओके, इन ट्राइंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ओके, लेंथ ए डी इज 27, एन इज द पॉइंट ऑन AD such that length of DN is 12, यहां पर कहीं है n,
तो दिस इज 12, तो ये कितना होगा 15। द डिस्टेंस ऑफ एन फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, अच्छा बहुत आसान सी बात है, 27 का 3 2:1 में होगा ना सेंट्रोइड, मतलब कि इसको 3 से डिवाइड करो 9, 18 होगा, तो ये 18 हो गया इधर वाला, ये हो गया जी आपका पॉइंट सेंट्रोइड का, तो द डिस्टेंस ऑफ एन फ्रॉम द 3, मतलब